Hello everyone, Palakarora this session, and today we are going to talk about Bharati Vidyapeeth College of Engineering, New Delhi. So as we all know, this is in Paschim Vihar and BVP is a renowned name and the main campus is at Pune, but BVP, Bharati Vidyapeeth Delhi College, is famous for engineering as well, and it comes under IP University. So it was established in the year 1999, and like all other colleges, iska bhi mode of admission is through JEE Mains. Like you have to appear for JEE Mains, and uske saath saath aapki 55% minimum aani chahiye aapki 12th class mein PCM subjects ke saath. और एक चीज और है कि इस कॉलेज में इंग्लिश कंपलसरी मानी जाती है, मतलब कि अगर आप इंग्लिश में आपकी कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए और उसमें अच्छे मार्क्स होने चाहिए. और उसके अलावा बीवीपी जो है 85% सीट्स जो है वो खाली दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखता है, मतलब बीवीपी दिल्ली इज हैविंग सीट्स 85% ऑफ सीट्स ओनली फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स. एंड एडमिशन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ JEE Main through GGSIPU Counselling, जो इनकी खुद की काउंसलिंग होती है IP University की, उसके थ्रू ही ये बच्चे को लेता है डिपेंडिंग अपॉन द JEE Main's rank. कोर्सेज जो ये ऑफर करते हैं, दैट इज B.Tech 4 years की, जो कि हमारी होती है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग. और सीट मैट्रिक्स की बात करी जाए तो बीवीपी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मतलब ये दो शिफ्ट ऑफर करता है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. तो फर्स्ट शिफ्ट में हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 120 सीट्स हैं, और उसके अलावा बाकी जितने भी फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, सब में 60 सीट्स ईच है. अगर हम बात करें सेकेंड शिफ्ट की, तो आफ्टरनून शिफ्ट में भी इसके पास 3 कोर्सेज अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और तीनों में 60 सीट्स ईच अवेलेबल है. और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताई, 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स, दैट इज दोज हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन दिल्ली. तो मतलब अगर आप दिल्ली से है तो आपके पास बहुत बड़ी मेजर परसेंटेज, मेजर एडवांटेज है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं. तो सीट के बाद हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ की. तो कट ऑफ इसकी जो जाती है, जैसे मैं आपको बिल्कुल थर्ड कट ऑफ बताऊंगी राउंड 3 की, तो मैक्सिमम रैंक अगर आप कंप्यूटर साइंस में सोच रहे हैं और आप शिफ्ट 1 में जाना चाहते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, तो 64,644 जाती है. इलेक्ट्रिकल के लिए 3,33,000 जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1,75,000 तक जाती है, आईटी के लिए 97,000 तक जाती है, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए 8,57,000 तक जाती है. और अगर आप आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये सब उनके लिए थी जो दिल्ली रीजन के बच्चे, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो सीएस में जाती है 40,000, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जाती है 1,38,000, मतलब मैक्सिमम देखा जाए तो ये 2,00,000 तक जाती है अगर आप आउटसाइड दिल्ली से भी बिलोंग करते हैं तो. और शिफ्ट है तो दिल्ली रीजन में शिफ्ट 2, मतलब आफ्टरनून शिफ्ट में आपकी कंप्यूटर साइंस में आपको 93,000 के तक में लाना होगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सोच रहे हो तो 2,26,000 तक जाती है. यही आप आउटसाइड दिल्ली से है तो मैक्सिमम रैंक कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 56,000 जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1,15,000, और आईटी वाले बच्चों के लिए 62,000 तक जाती है. तो फिर इसमें अगर आपको एडमिशन लेना तो आपका मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए. अब बात करेंगे हम फीस की, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है और अगर वो प्राइवेट कॉलेज है तो फीस बहुत ज्यादा मैटर करती है. तो इंस्टीट्यूट की जो फीस है हमारी वो 1,15,700 है पर ईयर, पर अगर आप 4 years के लिए जा रहे हैं तो यू कैन कैलकुलेट की 4,60,000 अबव आपकी फीस जा रही है, 4.5-5 lakh आपकी पूरी 4 साल की फीस है यहाँ पर. और प्लेसमेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है इस कॉलेज की. कॉलेज अपने आप में प्लेसमेंट के लिए फेमस है, बीवीपी खाली इंजीनियरिंग वाला जो हम कॉलेज की बात कर रहे हैं. तो इसके अंदर 2000 हमारे पास 18 की सारी प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड दी हुई हैं, जिसमें हमारा मैक्सिमम रिक्रूटर जो रहा है वो रहा है टीसीएस. टीसीएस ने 65 ऑफर्स प्लेस करे और बहुत सारे बच्चे लेकर गया है, और बाकी जो इसके रिक्रूटर्स है दैट इज एनआईआईटी, नगारो, ओपेरा सॉल्यूशंस, पेटीएम, रिची, देन सैमसंग आरएनडी. सो देयर आर सो मेनी गुड कंपनीज जो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो इस कॉलेज के लिए रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं. एंड जो इसका मैक्सिमम पैकेज जाता है वो भी बहुत अच्छा जाता है. आप सब कुछ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं. जो भी आपको डाउट हो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लीव करेगा, और अगर आपको आगे और कॉलेजेस के ऐसी ही रिव्यूज चाहिए और उनकी वीडियोस के बारे में जानना है कि कौन से कॉलेज में कैसे क्या प्रोवाइड करा जाता है, तो प्लीज यार फॉलो करो, सब्सक्राइब करो,
और प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड बाय बाय.